ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले सीप के अंदर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सीप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, समय के साथ साथ एक सीप का साइज बढ़ना भी जरूरी होता है, इसीलिए सीप अपने हार्ड शेल को बनाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल तैयार करता है। और मोती के बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस सीप के अंदर एंटर करता है। ये बाहर से आया हुआ सब्सटेंस सीप में इरिटेशन पैदा करता है, जिस कारण सीप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है, जिसकी लेयर से वो बाहर से आया हुआ सब्सटेंस ढक जाता है और उसके कई सालों बाद हमें सीप के अंदर से मोती मिलता है। फैक्ट नंबर 2, एक हाथी 3 किलोमीटर दूर से पानी की गंध को पहचान सकता है। वैसे क्या आपने कभी हाथी को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना।